अक्सर हम यही सोचते रहते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, यदि हमने किसी के साथ गलत किया तो ये गलत है। पर फ्रेंड सही बता दूं, सही मायने में यदि हमने पल भर के लिए भी किसी की हेल्प कर दी, पल भर के लिए भी यदि हमने पूजा पाठ में ध्यान लगा लिया, वही सच्ची सेवा है, वही सच्ची पूजा है। तो बिना देरी के आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा घर कैसा है। मेरा घर इस समय पूरा फैला हुआ है क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में वाइट वॉश का काम चल रहा है। मैंने कल भी आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी, तो यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रही हूँ, अपने जो सामान को बचाने के लिए जब वाइट वॉश छत के ऊपर होता है छोटी छोटी सी बूंदें गिर जाती हैं, फिर उस बूंदों को छुटाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। तो मेरे पास पुराने वाली कार का कवर रखा था जो मतलब बीच में से काफ़ी जगह से छिड़क गया था, फट गया था, मैंने उसको सही से टेप से चिपकाया। और इस तरीके से कल तो मैंने पलंग वाले एरिया पे डाला था जहाँ पे मेरा बेड है, और आज मैंने ड्राइंग रूम में जहाँ पे मेरी एक बहुत बड़ी कैबिनेट है उसके ऊपर डाल दिया है, ओम वाली कैबिनेट जो थी। तो इस तरीके से जो भी छींटे आएंगे इसके ऊपर आएंगे। और ये सब ब्रूस है जो नया नया सामान आया है, बस भैया पेंट को घोल रहे हैं और आज से पेंट शुरू हो जाएगा। कल तो भैया ने मरम्मत वाला काम करा था, जैसे कि काफ़ी जगह से पुट्टी हिल गई थी तो उस पुट्टी को वहाँ से उखाड़ा, फिर नई पुट्टी वहाँ पे अप्लाई की। तो जब पुट्टी का काम होता है तो घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं रिपेयर वाली, कि यहाँ पे भी रिपेयर करवा लो, यहाँ पे पुरानी हमने कोई कील लगाई होगी उस कील को निकाल देते हैं तो वो जगह भी पूरा अच्छे तरीके से भरना होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरा घर इस तरीके से फैला हुआ है। बेड वाले कमरे में तो देखिए वाइट वॉश हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपना सोफ़ा तीन दुपट्टों को सिलाई करके ढक रखा है क्योंकि बहुत सारा सामान होता है घर में, अब एक कार कवर से तो पूरा घर नहीं ढक सकते, तो पुराने पर्दे हैं पुराने दुपट्टे हैं, इस तरीके से मैंने अपना घर ढका हुआ है। और फ्रेंड्स आज शाम को गणेश जी चले जाएंगे तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नारियल की मावे की मिल्क पाउडर जो होता है उसकी मिठाई, और वो भी घर पर। मैंने जितनी भी मिठाइयाँ बनाती हूँ ज़्यादातर मैं घर पर बनाने की कोशिश करती हूँ। बाजार से मिठाई आ तो जाती है, स्वादिष्ट भी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक कप दूध लेना है, एक बड़ा चमचा, बड़े वाला जो चमचा होता है वो मिल्क पाउडर भर के मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा आप चीनी भी ले सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं बाद में भी, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। भैया आजकल कोई शुगर फ्री दवा मिठाई खाना पसंद करता है तो गोलियां आती हैं शुगर फ्री की, वो डाल सकता है। तो मैंने चीनी डाल दी थी दूध के अंदर ही, और जब ये पेस्ट पूरा गाढ़ा हो जाए इस तरीके से तली को छोड़ देता है। अब आपको दूसरे बर्तन में एक बड़ा चमचा, जितना मिल्क पाउडर लिया था उतना ही आपको नारियल का बुरादा लेना है। इसे रोस्ट कर लीजिए, जब हल्का सा गोल्डन हो जाए सुनहरा सा हो जाए तो आप इसे डाल लीजिए। यदि आपने चीनी नहीं डाली है तो यहाँ पे आप पिसी हुई बूरा आती है मार्केट में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और छोटे छोटे से पेड़े बना दीजिए। देखिए बहुत ही आराम से बन जाएगा, झटपट मैं कहूँ 10 मिनटों में आप इस मिठाई को घर पर बना सकते हैं। और चाहे तो आप इसे मतलब खाने वाला फूड कलर आता है मार्केट में जो आप होली पर दिवाली पर चिप्स बनाते हैं वो वाला कलर, तो मैंने बहुत ही लाइट मतलब हल्का हल्का सा बस हरे रंग की और ऑरेंज कलर की छींटे लगाई हैं। पिस्ता लगा दीजिए, अगर आप कलर को स्किप करना चाहते हैं कलर मत लगाइए, ये आपके लिए ऑप्शनल हैं। और देखिए कितनी अच्छी देखने में मिठाई लग रही है और बहुत ही झटपट बनने वाली अच्छी रेसिपी है। तो गणेश जी भगवान जी जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सा बनाना था, तो ये अभी तक मुझसे सही मिठाई बनी है। कल मैंने मोदक भी बनाए थे सुबह के वक्त में, और फिर कल जो मोदक बनाए थे वो नारियल के और मिल्क पाउडर के थे, और शाम को जो मैंने मोदक बनाए थे, मैंने दो बार मोदक बनाए, वो प्योर मावे के मोदक बनाए थे। इस तरीके से फ्रेंड मैंने तीनों टाइम भगवान जी को कुछ ना कुछ स्पेशल देने की कोशिश करी है। देखिए मैं कौन होती हूँ देने वाली, ऊपर वाले ने बस हाथ पकड़ा था कि भाई नमक की रोटी है तो नमक की रोटी भी खिलाओ, चावल है तो चावल भी खिलाओ, मिठाई है तो मिठाई खिलाओ, दूध है दही है तो वो भी खिलाओ। और कल मैंने आपको आरती की वीडियो दिखाई थी, आज बस इतना ही दिखा पाऊंगी। बस अब गणेश विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं, शाम के 5-5:30 बजे का टाइम है,
और रीजन ये है फ्रेंड्स, आज मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि जो अनंत चतुर्दशी है वो कल दोपहर 11:30 बजे तक है, और कल भाई हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे, 7:00 बजे से उनका ऑफिस शुरू हो जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, बच्चों का स्कूल भी है, तो आज के दिन ही, आज शाम को, मतलब अनंत चतुर्दशी से एक दिन पहले शाम को ही मैं विसर्जन करूंगी। और विसर्जन के लिए उससे पहले आपको घर में अपने पूजा पाठ करनी होती है, जो भी आपके घर के मेंबर हैं सबके साथ मिलके पूजा आरती कीजिए। और फ्रेंड्स ये कभी मत सोचिए कि भाई सामने वाले ने ऐसा करा हम भी ऐसे करेंगे, पूजा पाठ जो होती है वो अपने मन से होती है, दिल से होती है, पल भर के लिए कीजिए, पल भर के लिए ही उस पूजा पाठ में भगवान आपके दिल से जुड़ जाते हैं। यदि आप दिखावा करते हैं तो ऊपर वाले से तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, तो यदि आपके पास नमक की रोटी, आप नमक की रोटी का भोग लगाइए। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं लड्डू पेड़े मिठाइयों से ही खुश होता हूँ। और फ्रेंड्स जाते वक्त जब संध्या आरती हो गई तो अब मैंने गणेश भगवान जी को अपने पूरे घर में घुमाया। ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी अपने घर का रास्ता कभी ना भूलें, एक साल बाद फिर से इस घर में जैसे इस साल खुशियों से मना है ऐसे अगली साल भी मनाएं। और मेरा जो छत वाला टेरेस एरिया है उस एरिया को भी मैं भगवान जी को जरूर दिखाती हूँ, किचन को दिखाती हूँ, जहाँ पे बेडरूम है, मतलब पूरे घर में गणेश भगवान जी को जरूर घुमाते हैं। और फिर आपके घर में ढोल नगाड़े जो भी कुछ आप कर सकते हैं उस उनसे विदा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ढोल का इंतजाम हमने करा था लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, तो भैया एक हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी का डीजे स्टार्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे पूरी आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दी क्योंकि डीजे की वजह से फिर कॉपीराइट का डर रहता है और स्ट्राइक ना पड़ जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और मैं गणपति जी का विसर्जन कर रही हूँ अपने घर के पास गार्डन में, बिल्कुल इको फ्रेंडली मैं गणेश जी लेकर आती हूँ। और ये अच्छी बात भी है भाई, शुरू में तो देखिए हर किसी से गलती होती है, मुझसे भी हुई थी। मैं पहले ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी ले आती थी और 2-4 दिन बाद वो दिखाई देते थे ऐसे के ऐसे ही गणेश जी। और इको फ्रेंडली जो गणेश जी होते हैं ये मिनटों सेकंडों में मतलब मिट्टी में मिलना शुरू कर देते हैं, घुल जाती है मिट्टी पानी में। और इस तरीके से देखिए कितने सब खुश हैं, ये होती है सच्ची खुशियाँ। पड़ोस भी बहुत जरूरी है। तो गणपति पापा जी अब जा रहे हैं हमें छोड़ के, अगले साल फिर मिलेंगे। तो गणपति पापा मोरिया। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नर्वस तो हो जाती है, इतने दिन हम भगवान जी की पूजा पाठ करते रहते हैं, अचानक से वो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। गणेश विसर्जन वाली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर कीजिए। यदि कोई आपको गलत बात लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। आपके इतने अगले साल को और बढ़ा देंगे थोड़े से।